इस सत्र में डॉक्टर प्राची भी है मेरे साथ, तो हम दोनों मिलके ये सेशन को आगे लेकर जाएंगे। डॉक्टर प्राची से मैं अनुरोध करूंगी कि वो पीपीटी को प्रोजेक्ट करें ताकि इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सके। हम क्योंकि आगे आने वाले सत्रों में डिजिटल रिसोर्सेस का निर्माण करना सीखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस हैं, तो इसके लिए ये जान लेना जरूरी है कि मुख्य तौर पर डिजिटल रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं। अगली स्लाइड पे चलें। तो इसमें अगली स्लाइड में सबसे पहले तो यहाँ डिजिटल रिसोर्स की एक डेफिनेशन, वर्किंग डेफिनेशन जानना हमारे लिए जरूरी है। वो ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इमेजेस एंड ग्राफिक्स, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन, जो किसी भी तरीके का फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और मल्टी मीडिया नरेशन जनरेट करने के लिए यूज किए जा सकते आते हैं, उनको हम डिजिटल रिसोर्सेस कहते हैं, जो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हो। कि वीडियो भी अगर यूट्यूब पे अपलोडेड है या किसी और पोर्टल पर अपलोडेड है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है। अगली स्लाइड। तो ये हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं ई कंटेंट के, जिसमें माइंड मैप्स हैं, मैप्स हैं, सिमुलेशन है, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स। अगर इनमें से किसी भी प्रकार के रिसोर्स के लिए आपको अधिक जानकारी चाहिए, जिसके बारे में आपने नहीं सुना और आप चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें, तो चैट बॉक्स में लिखिए कि किस प्रकार के रिसोर्सेज से आप परिचित नहीं हैं इनमें से और वो क्या है, ये फिर हम आपको बताएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस स्लाइड। माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक, फोटोग्राफ्स। अगले स्लाइड पे देखें। एनिमेशंस, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो ये लिस्ट है जिसमें कुछ एग्जाम्पल डिजिटल रिसोर्सेस बताए गए हैं। अब चैट बॉक्स में देखें डॉक्टर प्राची, कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, माइंड मैप का भी हम एक टूल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना। तो माइंड मैप्स होते हैं, जैसे हमें कोई कॉन्सेप्ट एज अ टीचर जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसको कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं कि ये ब्रॉडर टॉपिक है और इसमें हम इन इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट की एक मैपिंग कर लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम इन इन पॉइंट्स से डील करेंगे। तो जो डिजिटल माइंड मैप्स होते हैं उनमें हम यही पूरा अपना स्ट्रक्चर कि उस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक्स के अंदर और हेडिंग्स क्या आ रही हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिन्हें कि हम माइंड मैप्स कहते हैं। मैं कुछ माइंड मैप का उदाहरण यहाँ पर दिखाऊंगी और माइंड मैप क्रिएट करने के लिए हम कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। बहुत आसान होता है इनको बनाना और इनको हम या तो किसी कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम इससे लेसन भी क्लास में अनफोल्ड कर सकते हैं। डिजिटल माइंड मैप जैसे हमने बनाया तो हम कक्षा में अगर हमारे पास आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो उसको क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सैम्पल माइंड मैप है, तो यहाँ कॉमन फूड ग्रुप्स को दर्शाया गया है, जो जिसने भी बनाया, ये मेरा बनाया माइंड मैप नहीं है, हमने कहीं से फ्री एंड ओपन सोर्स माइंड मैप लिया है। तो जिसने भी ये माइंड मैप बनाया उन्होंने कॉमन फूड ग्रुप्स को 7 भागों में, 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे डेयरी है, मीट है, कन्फेक्शनरीज है, वाटर है यानी कि फ्लूइड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और ग्रेन्स, बीन्स एंड लेग्स हैं। ये
उनके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को लेके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में डिवीजन था। तो डेयरी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये फर्दर अनफोल्ड हो रहा है। मीट के अंदर क्या क्या है वो फर्दर अनफोल्ड हो रहा है। कन्फेक्शनरी में क्या आइटम्स होते हैं वो अनफोल्ड हो रहा है। फ्लूइड्स में क्या है, वेजिटेबल्स में क्या है, फ्रूट्स में क्या है, ग्रेन बीन्स एंड लेग्यूम्स में क्या है। तो ऐसे किसी भी टॉपिक से को हम अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं माइंड मैप के माध्यम से। और दूसरा है सिमुलेशन। सिमुलेशन एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेज आते हैं, जो कि कोई भी अगर हमें किसी चीज की कोई भी कॉन्सेप्ट में ये जरूरी है कि उसका 3D विजुअलाइजेशन आवश्यक है, तो वो 3D विजुअलाइजेशन उसका सिमुलेशन के माध्यम से होता है। जैसे कि और वो एक रियल तो नहीं लेकिन नियर टू रियल, वास्तविकता के काफी करीब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है और किस तरह से पृथ्वी पे विभिन्न महाद्वीप और महासागर हैं, इसके लिए कन्वेंशनली टीचर क्या यूज करते थे, ग्लोब यूज करते हैं। पर ग्लोब एक फिजिकल टीचिंग एड है, लेकिन अगर यही चीज किसी ऐप के माध्यम से हम डिजिटाइज करके सिमुलेशन के माध्यम से दिखाएंगे और जिसको हम 3D रूप में देख सकते हैं, तो वो सिमुलेशन होगा। अगर आप लोगों ने तारामंडल कभी विजिट किया है, तो तारामंडल ब्रह्मांड के कुछ पार्ट का सिमुलेशन है, जिसमें ब्रह्मांड में किस तरह से गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, सौर्य मंडल है, वो सारा कुछ दिखाया जाता है। तो वो एक सिमुलेशन का उदाहरण है। कुछ एप्स हैं जिसमें भी सिमुलेशन दिखाया जाता है। इसके अलावा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट है, वो भी सिमुलेशन का ही एक फॉर्म है। और जो डॉक्टर गुलशन ने फिजिटल की बात की थी, फिजिटल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन, फिजिटल बुक के QR को या इमेज को स्कैन करके अगर हम उसका 3D विजुअलाइजेशन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो भी सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन हमें नियर टू रियल किसी भी चीज की इमेज दे सकते हैं। क्या हमारे पास कोई उदाहरण है इसका दिखाने के लिए फोल्डर में? तो हम सिमुलेशन के मैं आपको एक दो उदाहरण भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी डॉक्टर प्राची डेमोन्स्ट्रेट करेंगी यहाँ पे। अगर वो ऐप है हमारे पास डाइजेशन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका उसी फोल्डर में होना चाहिए। एक मोबाइल ऐप है बायो डिजिटल ह्यूमन, इसको आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इसके सिमुलेशन जिसका हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटी कक्षाओं में इंट्रोड्यूस तो कर दिए जाते हैं करिकुलम में, लेकिन हम जब तक कि बच्चा एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, तब तक वो वास्तविक एक्सपीरियंस इसका ले नहीं सकता। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उसको प्राइमरी लेवल पे इन तंत्रों के बारे में पढ़ना जरूर होता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो वीडियो हमने उसका स्क्रीन कास्ट करके बनाया हुआ है, उससे आपको इसकी, हाँ, या एक दूसरा दिखाते हैं कि किस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होता है। वो एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट है जो सिमुलेशन की कैटेगरी में आता है। वोल्केनो का एक्सपोजर भी हर एक को नहीं हो सकता कि ज्वालामुखी क्या है और किस तरह से ज्वालामुखी फटता है, कैसा दिखता है वो अंदर से, कैसा होता है। तो ये एक क्यूअर नाम का ऐप है, QUIVER, उस पे कुछ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की शीट है। क्यूअर ऐप अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे अगर हम उस इमेज को स्कैन करेंगे, तो हमें उसका 3D विजुअलाइजेशन अपने मोबाइल डिवाइस में देखने को मिलेगा। कैसे, इसको मैं आपको प्ले करके यहाँ दिखाती हूँ। इससे सिमुलेशन स्पष्ट हो जाएगा सबके लिए कि सिमुलेशन के अंदर किस तरीके के कंटेंट आते हैं। ये शीट है, अब ये स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद कैसे ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए।
पॉज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा कि हम सिमुलेशन किस प्रकार के कंटेंट्स को कहते हैं। बायो डिजिटल ह्यूमन आप इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी ये 3D विजुअलाइजेशन के क्या एग्जाम्पल होते हैं वो देखने को मिलेंगे। हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, एक दिखा देते हैं अभी, डॉक्टर प्राची के पास है ऑलरेडी एक दो और सैंपल, तो वो भी हम देख लेते हैं। श्वसन तंत्र का दिखा रही है डॉक्टर प्राची, तो श्वसन तंत्र हम और देख लें किस तरह से बायो डिजिटल ह्यूमन ऐप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। लोग देखें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, फेफड़े कैसे एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से श्रिंक करते हैं, तो वो सारा इस सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया गया है। और कोई प्रकार का है, डॉक्टर प्राची ने बताया कि फ्लो डायग्राम भी लोगों ने पूछा है, तो ऐसा डायग्राम जैसे माइंड मैप है, माइंड मैप में हम पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं, इसी तरह से किसी एक कॉन्सेप्ट किस तरह से फ्लो करता है वो फ्लो डायग्राम के माध्यम से, जैसे फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री एक तरह का फ्लो डायग्राम होता है, इसी तरह से अगर हमें एक इतिहास का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी जो डायनेस्टी है उस डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए हम उसको भी ऐसे फ्लो डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे भी अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि रानी का फैमिली ट्री, ये एक फैमिली ट्री तो है ही, एक फ्लो डायग्राम भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रानी के दादा दादी हैं और नाना नानी हैं, तो दादा दादी के ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, उनके बच्चों को किन हमारे रिश्ते में वो क्या लगते हैं, और नाना नानी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या बच्चे हैं वो रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं। जैसे दादा दादी में आप देखेंगे तो आपके पापा जो हैं वो दादा दादी के बच्चे हैं, बुआ हैं, और उनके स्पाउस आपकी मम्मी और आपके फूफा जी उनके स्पाउस हुए, उनके बच्चे हमारे कजन हुए, और पापा मम्मी के जो ऑफस्प्रिंग हुए जो नाना नानी और दादा दादी से के ऑफस्प्रिंग है तो उसके हम और हमारे जो भाई बहन हैं वो होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फैमिली नॉर्म भी संविधान के हिसाब से हमें एडियर करना होता है, और करिकुलम में हम लार्ज फैमिली नहीं दिखा सकते, तो एक फैमिली ट्री में सारे रिश्ते कवर नहीं किए गए हैं। तो इसमें हम नीचे स्क्रॉल करें तो एक और फैमिली ट्री है जिसमें इन रिश्तों के अलावा और क्या रिश्ते होते हैं, जैसे ताऊ जी ताई जी हो गए, मामा मामी हैं, और उनके बच्चे भी हमारे कजन कजन हैं, तो इस तरह से एक शालिनी का फैमिली ट्री है और एक और फैमिली ट्री होगा शायद इससे कि सारे राजू का फैमिली ट्री है, तो ये हम देखें तो तीन फैमिली ट्री के माध्यम से जो एक फ्लो डायग्राम के रूप में दिखाए गए हैं हम परिवार में जो हमारे संबंध और उनके आपस में क्या संबंध होते हैं उन संबंधों के बारे में चर्चा कर सकते हैं इस तरह के फैमिली ट्री के माध्यम से। तो ये एक फ्लो डायग्राम का उदाहरण है। कोई और है तो प्राची, इन्फोग्राफिक अभी हम जब FLN दिखाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे इन्फोग्राफिक्स की। कुछ और है इन्फोग्राफिक के अलावा, हमारा जो FLN वर्टिकल है उसमें बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स हैं, तो वहां हम आपको कुछ उदाहरण दिखाएंगे, और फ्लो डायग्राम को भी हम इन्फोग्राफिक भी कह सकते हैं,
इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो एक फ्लो डायग्राम शाब्दिक भी हो सकता है जिसमें केवल शब्द हो, और वो पिक्टोरियल भी हो सकता है। तो कोई फ्लो डायग्राम अगर पिक्टोरियल है तो वो इन्फोग्राफिक की कैटेगरी में भी आ जाता है। टाइमलाइन है जहां किसी भी प्रकार की क्रोनोलॉजी को हमें समझना है, यानी कि तिथि क्रम को अगर हमें जानना है या बताना है तो टाइमलाइन के माध्यम से हम तिथि क्रम को आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। नहीं तो तिथियों को याद रखना उस क्रम में बहुत मुश्किल होता है, जो कि टाइमलाइन के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक टाइमलाइन का उदाहरण है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें पॉलिसी डायरेक्शंस एंड आईसीटी इनिशिएटिव है कि किस तरह से हमारे देश में 1972 से लेकर, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 1972 में ईटी स्कीम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्कीम लॉन्च हुई थी, और तब से लेकर अब तक 2020 तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव आए हैं और कौन-कौन सी पॉलिसीज आई हैं और उन पॉलिसीज के तहत कौन-कौन से इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, इस टाइमलाइन में आप वो देख सकते हैं। तो 1972 है, 1983 में इनसेट लॉन्च किया गया था, 1984 में क्लास प्रोजेक्ट है, फिर 1986 में, इससे पहले 2020 की पॉलिसी से पहले जो पॉलिसी थी एनईपी 1986 और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, फिर आईसीटी स्कीम, इसके अलावा रिवाइज आईसीटी स्कीम। तो इस टाइमलाइन के माध्यम से हमें ये घटनाक्रम को याद रखना बहुत आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है और समझाना भी आसान हो जाता है। तो टाइमलाइन का ये एक एग्जाम्पल है। इसमें वंशावली को भी टाइमलाइन के माध्यम से और अलग-अलग ऐतिहासिक कालों में जो घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रमों को दिखाने के लिए टाइमलाइन एक महत्वपूर्ण डिजिटल रिसोर्स होते हैं। और सवाल है एनिमेशन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 3D हो, एनिमेशन 2D भी हो सकते हैं, और वो नियर टू रियल किसी भी चीज का डिपिक्शन नहीं करते। एनिमेशन का उद्देश्य है कि किसी भी एक चीज की फंक्शनैलिटी को बताना, रोचक तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करना एनिमेशन के माध्यम से, लेकिन सिमुलेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट का नियर टू रियल जो इमेज है वो दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी कि उसका एक प्रोटोटाइप हो या मिनिएचर हो सकता है जो कि एनिमेशन से बिल्कुल अलग है। हालांकि उसमें भी एनिमेशन की विधा का प्रयोग जरूर किया जाता है सिमुलेशन में भी, लेकिन एनिमेशन वो नहीं है क्योंकि वो नियर टू रियल इमेज दिखा रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट की। जैसे कि मैंने तारामंडल का आपके आगे जिक्र किया, क्या तारामंडल को हम एनिमेशन की कैटेगरी में लाएंगे? वो एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन 2D भी हो सकते हैं और 3D भी हो सकते हैं। मुझे लगता है मैं स्पष्ट कर पाई हूँ दोनों में अंतर को। आप देखेंगे जब एनिमेशन के हम सैंपल दिखाएंगे, वो लास्ट वाले सत्र में हम कुछ एनिमेशंस देखेंगे, जब हम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन वाला सेशन लेंगे तो उसमें कुछ एनिमेशंस भी आपको दिखाए जाएंगे। और कुछ प्रश्न है? ठीक ठीक है, तो हम वापस आते हैं पीपीटी पे। इसमें कुछ और प्रकार के अगर रिसोर्स दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। तो ये टाइमलाइन का उदाहरण हमने देखा। नेक्स्ट, ये डायग्राम का एक उदाहरण है जो
इसका प्रॉपर लेबलिंग की गई है और ये दिखाता है कि झरने का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से झरने का निर्माण हम बहुत आसानी से बच्चों को विजुअलाइज भी करा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन यही अगर हम एनिमेशन का प्रयोग करें तो वो और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए होगा और भी डायग्राम से भी कम समय में हम वॉटरफॉल के निर्माण की प्रक्रिया बच्चों को बता पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर है हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, और जब हार्ड रॉक के ऊपर से पानी बहता है और फिर सॉफ्ट रॉक से टकराता है तो सॉफ्ट रॉक की अंडर कटिंग फास्ट होती है और धीरे 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 सॉफ्ट रॉक कटती जाती है और हार्ड रॉक का एक छज्जा सा बन जाता है। फिर वाटर प्रेशर उस छज्जे के ऊपर जब ज्यादा तेजी से पड़ता है तो वो भी टूट के गिर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि झरनों के नीचे बहुत सारी टूटे हुए चट्टाने पड़ी हुई होती हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से हम इस जटिल प्रक्रिया को जो कि वर्षों में घटित होती है बहुत कम समय में बच्चों को समझा सकते हैं डायग्राम्स के माध्यम से। अगला स्लाइड। तो ये कार्टून का एग्जाम्पल है तो जिसमें हम देखेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है जो डॉक्टर जो हमें डार्विन ने बताई, उसको एक समझाने के लिए, उसको बच्चों के आगे प्रस्तुत करने के लिए ताकि उसमें रुचि जागृत हो, एक कार्टून का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर डायनासोर दिखाया गया है और जिसके ऊपर लिखा है मिसिंग इस तस्वीर पे सिंस अ बिलियन ईयर्स की अरबों सालों से ये स्पेशी ये जो प्रजाति है ये मिसिंग है और सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर पेड़ पर लटके हुए इस पोस्टर को देख रहे हैं। तो भाई कैसे कोई स्पेशी मिस हो जाता है, खत्म हो जाता है उनका जो हमारी टाइमलाइन है इसकी जो नेचुरल टाइमलाइन है इस प्रक्रिया की, इवोल्यूशन की प्रक्रिया की, तो उसमें किस तरह से कुछ स्पेशीज किन किन वजहों से खत्म होते जाते हैं। तो इस जटिल कॉन्सेप्ट को इस कार्टून के माध्यम से हम रुचि जागृत कर सकते हैं। अगला ये एक उदाहरण है कॉमिक स्ट्रिप का। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। जो लड़का है उसके पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो लड़की उसको बताती है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो एसिडिटी के बारे में बच्चा कहता है लेकिन एसिड तो ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड सरफेस को का क्षय कर देते हैं। तो अगर मेरे स्टमक में एसिड है तो क्या मेरे पेट में भी इससे छेद हो जाएगा। तो उसके माध्यम से फिर एपिथीलियल सेल का कॉन्सेप्ट करा गया है कि हमारे जो स्टमक है पेट में एपिथीलियल सेल होते हैं जिसकी वजह से जो कवर कर लेते हैं सरफेस को हमारे स्टमक के और एसिड उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक अगर हम ठंडा दूध पी लें तो उससे हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। तो एपिथीलियल सेल्स के कॉन्सेप्ट को एक कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है और एसिडिटी जैसा जो एक कॉन्सेप्ट है या छोटी सी जो तकलीफ है हमें होती है उससे निजात कैसे पाई जा सकती है ये कॉमिक स्ट्रिप में बताया गया है। ये अमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें पाचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसका ये एक उसको सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया गया है। ये भी एक सिमुलेशन की ब्रॉडर कैटेगरी में आने वाला एक प्रकार का सिमुलेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हम देखेंगे तो ये इमेज है, एक इमेज का एग्जाम्पल है जिसमें देखेंगे तो ये
तस्वीर में बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स छुपे हुए हैं, तो एक हम गेमिफिकेशन के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों की याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए हम इस तरीके का इमेज यूज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की किस तरह से वो विभिन्न चीजों की पहचान करें, उनके नाम को समझें, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ऐसे इमेजेस का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम आर्टिकल छुपे हुए हैं, ये भी उसी तरीके का इमेज है। नेक्स्ट, हम फोटोग्राफ्स को भी लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ हैं जो किसी फोटोग्राफर ने क्लिक किए, इसके साथ थोड़ा रिसर्च ऐड करके हम फोटोग्राफ्स को लर्निंग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इन बर्ड्स का साइंटिफिक नेम है, अल्टरनेटिव नेम है, इनके हैबिटेट कौन से यानी कि कहाँ रहती हैं, अगर इनके कोई माइग्रेटरी हैबिट्स है, किसी पर्टिकुलर सीजन में ये एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करती है, तो वो बताया गया है लर्निंग रिसोर्स में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज एनिमेशन का अंजलि। एग्जाम्पल है जो कि 2D एनिमेशन है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स। वी ऑल सी ट्रैफिक सिग्नल्स व्हेन वी आर ऑन द रोड। व्हाट डू यू थिंक दीज ट्रैफिक सिग्नल्स आर फॉर? ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प एवरीवन यूजिंग द रोड टू नो व्हेन दे हैव टू स्टॉप, वेट अ गो। नेक्स्ट एग्जांपल सर। इंटरैक्टिव कंटेंट है, उसके सैंपल हम यहाँ देख सकते हैं। तोल कर बोल। तराजू पर रखे हुए सामान को तोलने के लिए उतने भार के बाट को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। अरेंज नंबर्स ऑन दी लेडर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऐसे ऑर्डर। कंटेंट को हम गेमीफाइड कंटेंट भी कहते हैं, इंटरैक्टिव गेमीफाइड कंटेंट, क्योंकि यहाँ एक गेम के एलिमेंट भी है। डन। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को अरेंज करने के लिए ये एक गेम है। वेल डन। उप्स, ट्राई अगेन। वेल डन। वेल डन। आगे नेक्स्ट। तो डिजिटल रिसोर्सेज का जब हम प्रयोग करें एज शिक्षक किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो हम उनको प्री लेसन भी यूज कर सकते हैं अगर वो सूटेबल है प्री लेसन यूज करने के लिए। मिड लेसन, अगर लेसन के क्रम में कहीं भी कोई डिजिटल रिसोर्स इंटीग्रेट करने की आवश्यकता होती है तो हम मिड लेसन कर सकते हैं। और कई बार पूरा लेसन पढ़ाने के बाद, मान लीजिए हमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई स्मॉल फिल्म दिखानी है, तो हम उसको पोस्ट लेसन भी बच्चों को दिखा सकते हैं। कुछ डिजिटल रिसोर्सेज जिन पर वो कॉन्सेप्ट आधारित है, हम प्री लेसन भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो देखकर कक्षा में आए और फिर उनके ऊपर चर्चा करें। तो इस तरह से डिजिटल कंटेंट को क्लासरूम में प्री लेसन, मिड लेसन और पोस्ट लेसन हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो तीन वर्टिकल जो हमारे हैं उस पर किस तरीके से वो कंटेंट प्लेस्ड है, क्या वैरायटी है कंटेंट का। तो जो हम FLN वर्टिकल देखेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल जो अडल्ट एजुकेशन के लिए है, वो वर्टिकल देखेंगे। और तीसरा है जादुई पिटारा। तो हम, मैं डॉक्टर प्राची से अनुरोध करती हूँ कि वो उसको प्रोजेक्ट करें और उनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दें, जहाँ मुझे
बीच में अपने इनपुट्स की आवश्यकता होगी तो मैं बीच में अपने इनपुट्स देती रहूंगी, अदरवाइज डॉक्टर प्राची इसको प्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है दीक्षा पोर्टल। इस पेज के लिए हम जो हमारा कोई भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करेंगे, और यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं दीक्षा.gov.in हम टाइप करेंगे। हम जैसे ही ये यूआरएल टाइप करेंगे हमें इस तरीके का पेज हमारे स्क्रीन पर आएगा जो दीक्षा का होम पेज है। आप देख सकते हैं इस पर, जिसपे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्लोर दीक्षा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फिल्टर्स जैसे कि क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम आदि लगाकर आप अपने जो भी आपको टेक्स्ट बुक सर्च करनी है वो सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि कुछ बैनर्स हमें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, तो आप देखेंगे कि जो फोर्थ नंबर का जो बैनर है जिस पर लिखा है जादुई पिटारा, हमारे पास एक फिजिकल जादुई पिटारा भी है जिसको 20 फरवरी 2023 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो जो डिजिटल जादुई पिटारा है ये हमारा रेप्लिका है फिजिकल जादुई पिटारा का, क्योंकि फिजिकल जादुई पिटारा की कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि हर स्टेट हर पर्सन तक वो इतनी इजीली नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए ये हमारा डिजिटल जादुई पिटारा है जो सबकी अप्रोच में है। हर कोई अपने मोबाइल पर अपने लैपटॉप पे वन क्लिक पर इस पिटारा को एक्सेस कर सकता है, इसके रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम इस एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें फिजिकल डिजिटल जादुई पिटारा का एक लैंडिंग पेज दिखेगा, और अगर हम इस ओपन पे क्लिक करेंगे हमें कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे। ये थोड़ा सा अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो ये भी लोड हो रहा है। तो जो हमारा जादुई पिटारा है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फाउंडेशनल स्टेज के लिए रिसोर्सेज हैं, जिसमें 3 to 8 years के लिए ये रिसोर्सेज हमें इसमें फाउंडेशनल स्टेज के लिए रिसोर्सेज हैं जो हमारा जादुई पिटारा है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन जो शेयरिंग है स्टॉप करके दोबारा रीशेयर करूंगी, क्योंकि ये पेज जो है कम्प्लीटली लोड नहीं हो पाया है। तो मैं एक बार अपना इंटरनेट चेक करके दोबारा से इसको रीशेयर करती हूँ। गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ, ये जब तक ये लोड नहीं होता है हम दूसरे वर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हमने जादुई पिटारा, अभी हम इसको जैसे ये पेज लोड होता है हम उसकी उसकी तरफ वापस आएंगे। हमारा एक और वर्टिकल है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वर्टिकल। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप ये डॉट्स हैं इसमें 6 नंबर का जो डॉट है उस पर आप क्लिक करके इस वर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस वर्टिकल का लैंडिंग पेज आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ हमें थंबनेल्स
ये आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें है निपुण भारत डॉक्यूमेंट्स हैं, निपुण मिशन वीडियोस हैं और रीजनल वर्कशॉप रिसोर्सेज हैं। तो निपुण भारत डॉक्यूमेंट के अंदर आपको निपुण भारत मिशन और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी से रिलेटेड जो जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कुछ हमें टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें आप इसको मैं अगर इस पेन क्लैप्स करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन डॉक्यूमेंट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास मिशन डॉक्यूमेंट है, जिसको भी अगर डॉक्यूमेंट देखना है पढ़ना है वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको वो डॉक्यूमेंट लेफ्ट हैंड साइड जो स्क्रीन आपको प्लेयर दिख रहा है वहां दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो अभी लोड हो रहा है। एक्सक्यूज मी स्लाइड इज नॉट इस प्लेयर पर जो भी रिसोर्स आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट इस अनस्टेबल है, इसकी वजह से थोड़ा सा असुविधा हो रही है, थोड़े मतलब लोडिंग टाइम रिसोर्सेस का थोड़ा इंक्रीज हो गया है। आप जैसे कि ये देखेंगे निपुण भारत की फ्लिप बुक है, एक फ्लिप बुक भी निपुण भारत मिशन के ऊपर अपलोड की गई है जिसमें एक समरी के थ्रू आप पूरे मिशन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। तो ये एक फ्लिप बुक है जिसके माध्यम से निपुण भारत मिशन क्या है और उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, इसकी एक समरी इसमें शॉर्ट में दी गई है जिसको आप इस फ्लिप बुक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि इस पर अगर क्लिक किया तो निपुण भारत की जो फ्लिप बुक है यहाँ लोड हो रही है। तो इस तरीके से जो भी रिसोर्स आप देखना चाहते हैं आप उस पर राइट हैंड साइड टेबल ऑफ कंटेंट में आप उस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लेयर जो है इस पर वो रिसोर्स अपीयर होने लगेगा। स्लाइड इज नॉट इंटरनेट बहुत स्लो है। ये देखिए तो ये फ्लिप बुक है, आप इसमें फुल स्क्रीन करके इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि मिशन क्या है, उसके लर्निंग आउटकम क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, ये सारा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी रिसोर्स को दीक्षा पे उपलब्ध या किसी भी वर्टिकल पे उपलब्ध किसी भी रिसोर्सेस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये जो थ्री बार्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे पहला ऑप्शन आता है शेयर का ऑप्शन। आप इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक जनरेट हो जाता है। आप इस लिंक को कॉपी लिंक करके कॉपी कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं तो उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस को कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम लिंक शेयर करके भी रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जैसे कि बताया गया था इससे पहले वाले सेशन में कि दीक्षा हमारा ऑफलाइन भी वर्क करता है तो आप इस डाउनलोड पे क्लिक करके कोई भी रिसोर्सेस जो दीक्षा पे उपलब्ध है, वर्टिकल्स पे उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके कोई भी रिसोर्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास इंफोग्राफिक्स है जो अभी हम आगे देखेंगे, वर्कशीट है, असेसमेंट शीट्स हैं। तो इनको हम इन रिसोर्सेज को हम प्रिंट कर सकते हैं और हम क्लासरूम में हम इसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, बच्चों से हम वर्कशीट्स को फिल करा सकते हैं, असेसमेंट्स उनसे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं दीक्षा पोर्टल से कोई भी रिसोर्सेस को। तो आपने देखा कि इस निपुण भारत डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिशन
एडमिशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, फ्लिप बुक मिल जाएगी, विद्या प्रवेश डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, होम बेस्ड लर्निंग गाइडलाइंस है, और G20 जो भी हुआ था रिसेंटली उसकी रिपोर्ट भी है कि उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल लर्निंग जो स्टडी है उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो आपको सारा यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब सेकेंड आइकन है निपुण मिशन वीडियोस, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये लॉन्च वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब ये लॉन्च हुआ था तो उसकी वीडियो आपको यहाँ देख आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप यहाँ एक निपुण मिशन एंथम वीडियो है उसको भी आप यहाँ से एक्सेस करते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, आप जिस भी रिसोर्स पे क्लिक करेंगे उसको आप प्लेयर में वो रिसोर्स प्ले होने लगेगा। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एफएलएन टूल्स एंड रिसोर्सेज है, आप इसको इस पर वीडियो है, आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे एफएलएन वर्टिकल पे कितने वेराइटी हमारे पास रिसोर्सेज है, उनकी ग्लिम्सेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितनी वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे एफएलएन वर्टिकल पे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है, एक्सेसिंग रिसोर्सेज ऑन एफएलएन वर्टिकल ऑफ दीक्षा, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप दीक्षा के एफएलएन वर्टिकल पे रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे प्रोसीजर इसमें बताया गया है, तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिससे कि आप वर्टिकल पर रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, हाँ उसको आप वो कर सकते हैं, हाँ इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दीक्षा से किसी भी रिसोर्सेज को कैसे डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही फाउंडेशनल लर्निंग स्टडीज के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ वीडियो उपलब्ध है और हमारी कुछ एफएलएन वीडियोज भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो इस तरीके से निपुण भारत जो हमारे वीडियोस हैं वहाँ पर आपको इस तरीके के रिसोर्सेज मिशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। साथ ही रीजनल वर्कशॉप रिसोर्सेज है, एक वर्कशॉप की गई थी सारे स्टेट और यूटीज के साथ, तो उन्होंने निपुण भारत मिशन के लिए अपने राज्य में क्या एक्शन प्लान बनाए थे वो सारे एक्शन प्लान आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्टेट की एक लिस्ट मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली वाइज यहाँ सारी लिस्ट है, अंडमान, अरुणाचल, असम, बिहार, तो आप किसी भी इस पे फोल्डर उस पे क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट ने उस निपुण भारत मिशन के लिए अपने राज्य में क्या एक्शन प्लान बनाया था वो सारा आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब हम इस पेज पर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस पेज पर हमारे पास अबाउट सेक्शन है जिसमें कि हमें पता चलेगा कि निपुण भारत जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के का एक अबाउट हमें दिया गया है कि वो क्या है इस मिशन में, ये क्या इसकी ये किस एज ग्रुप को ये टारगेट करता है और इसके अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज है उसका एक अबाउट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि हमें यहाँ पर हम ई कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलपमेंटल गोल वाइज ई कंटेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री स्कूल 1 से लेके क्लास 3 तक के हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस वर्टिकल के माध्यम से, और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंटल गोल वाइज क्लासिफाइड किए गए हैं। अब ये डेवलपमेंटल गोल क्या है तो आप नीचे देखेंगे कि डेवलपमेंटल गोल 1, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे डेवलपमेंटल गोल 1 है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, तो आप क्लिक करेंगे तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको आ जाएगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलपमेंटल गोल 1 क्या है। डेवलपमेंटल गोल 2 इज चिल्ड्रन बिकेम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि डेवलपमेंटल गोल 2 के माध्यम से बच्चे को किस तरीके की लर्निंग प्राप्त होगी। ये डेवलपमेंटल गोल 3 किस चीज किस एरिया को कवर करता है, और डेवलपमेंटल गोल 3 है चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट,
तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों डेवलपमेंटल गोल्स की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि आप यही पोर्टल के माध्यम से इन जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको आसानी से एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में समझ सकते हैं। अब है कि हम ये रिसोर्सेज जो हमारे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर क्लास के नीचे एक एक्सप्लोर का बटन दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर क्लास वन के एक्सप्लोर पे क्लिक करती हूँ तो जो रिसोर्सेज है वो हमारे डेवलपमेंटल गोल वाइज दिए गए हैं। तो आप किसी भी डेवलपमेंटल गोल पे अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने टू पर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये पेज ओपन होता है, तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पास ये डेवलप लर्निंग आउटकम्स के हमारे लर्निंग आउटकम है, जिसमें कि फर्स्ट जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिसोर्स ओपन होता है वो की कॉम्पिटेंसीज होती हैं। डेवलपमेंटल गोल टू की क्या की कॉम्पिटेंसीज हैं वो हर एक बच्चे को टीचर को यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि ये टीचर के लिए रिसोर्सेज है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये लर्निंग आउटकम है, और आप ये देखेंगे हर लर्निंग आउटकम का एक कोड है, जैसे कि ये कोडिफाइड लर्निंग आउटकम्स हैं। जैसे ECL वन वन इज हिंदी लैंग्वेज के लिए वन है, और सेकंड जो भी रीजनल लैंग्वेज उस स्टेट की है उसके लिए टू है। जैसे कि यहाँ पर हमने हमारे जो ECL वन है उसमें जो रिसोर्सेज है वो हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज हैं, और ECL टू में इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज है। तो स्टेट अगर अपने स्टेट में अगर आप लोग अपने स्टेट में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, तो ECL वन में आप हिंदी मीडियम को रखेंगे, और ECL टू में आप अपने भी रीजनल लैंग्वेजेस जो कि आपके स्टेट की है उसमें आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी लर्निंग आउटकम पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी रिसोर्स मिलेगा, जैसे वर्कशीट है, एक्टिविटी शीट है, असेसमेंट शीट है, वीडियोस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं। तो ये एक इन्फोग्राफिक मैं आपको दिखा देती हूँ कि अपनी भाषा का प्रयोग करना, ये इन्फोग्राफिक का टाइटल है। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको टीचर्स अपने अपने आप ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत सारे रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति के लिए और जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछने के लिए अपनी भाषा स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम है इस ये जो इन्फोग्राफिक है वो इस लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपनी मातृभाषा पंजाबी में बातचीत कर रहे हैं और सवाल को पूछ रहे हैं। जैसे कि मेरा कर्सर जहाँ पर है आप देख सकते हैं कि पंजाबी में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम है वो ये इन्फोग्राफिक इस तरीके से लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है। तो ये हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि जादुई पिटारा में हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। फर्स्ट जैसे कि इसमें आपको नहीं दिख पा रहा है, लोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने इस पे क्लिक किया तो फर्दर एक्सप्लोर पे आप देखेंगे कि फर्स्ट जो बुक है वो है बुक एंड एक्टिविटीज है, बुक एक्टिविटी बुक्स एंड मैगजीन्स हैं। तो इस पर आप देखेंगे हमारे पास अभी राइट नाउ हमारे पास आनंद एक्टिविटी बुक है, जिसे जो बाल वाटिका के लिए है, और ये बुक हमारे पास 13 भाषाओं में अवेलेबल है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आनंद ये वर्कशीट एक्टिविटी बुक है जो उर्दू में अवेलेबल है, मराठी में है, गुजराती में है, बांग्ला में है, पंजाबी में है, उड़िया में है, कन्नड़ में है। तो इस तरीके से 13 भाषाओं में ये हमारे पास उपलब्ध है अभी, और ये जो एक्टिविटी बुक है इसको हम 22 भाषाओं में जो हमारी शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको हम ट्रांसलेशन का कार्य चल रहा है। तो अभी 13 भाषाओं में ये ट्रांसलेट की जा चुकी है और जो दीक्षा के पोर्टल पे जादुई पिटारा पे उपलब्ध है।
इसको आप इस पेज को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो ये शायद लोड नहीं का नेम बता, हाँ मैं इसका लिंक आपके साथ ग्रुप में लिंक, मैं इसका लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और चैट पे भी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप इसको एक बार खुद से एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि शायद कुछ इंटरनेट का इशू की वजह से इसको हम कम्प्लीटली इसका वो हमें वो नहीं हो पा रहा है। तो सेकेंड कैटेगरी हमारी कार्ड्स की है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कार्ड्स यहाँ पर मिलेंगे जो सारा फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। यहाँ देखेंगे कलर सीरिएशन कार्ड्स हैं, तो आप इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कार्ड्स का ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रीजनल नंबर कार्ड्स हैं इसमें हमारे पास, 22 लैंग्वेजेस में ये कार्ड्स हमारे पास नंबर कार्ड्स उपलब्ध है। हमारे पास उर्दू नंबर कार्ड्स हैं, नंबर ट्रेसिंग कार्ड्स हैं, अल्फाबेट ट्रेसिंग कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से नंबर कार्ड्स की कैटेगरी में हमारे पास इस तरीके के डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस उपलब्ध है, जिसको आप ये इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है और ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस 5 दिन की कार्यशाला में जब भी आपको डाउट, अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी चार्ट्स की, तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास अल्फाबेट चार्ट्स हैं, स्वर चार्ट्स हैं, व्यंजन चार्ट्स हैं, नंबर चार्ट्स हैं। अभी नंबर चार्ट्स ऐड नहीं हुए हैं, तो जैसे जैसे ये रिसोर्सेज अभी हमारे पास बनते जाएंगे हम इसको और अपलोड करते जाएंगे। तो अभी हमारे पास स्वर चार्ट है, अल्फाबेट चार्ट है, व्यंजन चार्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है डोमिनोज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कलर डोमिनोज हैं, नंबर डोमिनोज हैं, तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लैश कार्ड की, तो यहाँ बहुत आपको मेमोरी कार्ड्स मिल जाएंगे, प्री नंबर कॉन्सेप्ट कार्ड्स हैं इसमें, अल्फाबेट फ्लैश कार्ड्स हैं और रीजनल अल्फाबेट कार्ड्स हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर गाइडलाइन फॉर टीचर्स है, ये हमारा मुख्य गाइडलाइंस है जो ट्रेनर्स हैंडबुक फॉर बाल वाटिका है। तो सिमिलरली ये भी हमारी अभी 10 भाषाओं में ये ट्रांसलेट हो चुकी है और पोर्टल पे उपलब्ध है, बाकी का ट्रांसलेशन कार्य अभी चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो उर्मुख है, जो हैंडबुक है, वो हमारी पंजाबी, मराठी, गुजराती, मतलब आप एक देख सकते हैं कि विभिन्न अभी भाषाओं में उपलब्ध है। अभी पोस्टर्स है हमारे इसमें डिजिटल जादू पिटारा में, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट पिक्चर रीडिंग पोस्टर्स हैं और पोयम पोस्टर्स हैं। तो ये हमारा चैट में शेयर किया जा चुका है, आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक और वर्टिकल है जिसके बारे में आज हमें बात करनी थी, वो था एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल। तो इस वर्टिकल को एक्सेस करने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल हमारे 15+15 ऑनवर्ड्स जो भी है उसके लिए है। इसमें हमारी कुछ इसके हमारे कुछ एरियाज है जिसपे फोकस किया गया है, जिस
जो हमारे मेजर एरियाज हैं इसमें वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जो भी हमारे जो एडल्ट से रिलेटेड, इसमें की वर्कशीट और असेसमेंट शीट्स इसमें उपलब्ध हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में इसमें हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड मटेरियल है, वीडियोज हैं, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है, लीगल लिटरेसी से है और इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी से, और बेटर लिविंग। वोकेशनल स्किल्स में हमारे इसमें जो वोकेशनल स्किल्स से रिलेटेड रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वर्टिकल्स हैं आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी लंच का भी टाइम हो चुका है, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा आफ्टर वर्कशॉप, आज शाम के बाद आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, आप कल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अब अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो कितने बजे बुलाना है वापस? तो अभी हम लंच के लिए ब्रेक करते हैं, इसके बाद हम 2:20 पर, शार्प 2:20 पर फिर से जुड़ेंगे इस मीटिंग में। और हमारा क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम डिले चल रहा है, थोड़ा शेड्यूल हमारा डिले चल रहा है, तो हम शार्प 2:20 पर यहाँ पर मीटिंग में फिर से जुड़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अभी हम लंच के लिए ब्रेक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपके